मीरब महीन उठ जाओ बेटा, टाइम देखा है वो देखो टाइम 10 बज रहे हैं। सफी आई चप्पल पहन के आई, उल्टी चप्पल पहनी है। चलाओ आशिम चले, तो यह पकड़ो अपना, चलो चले, चलो वॉशरूम चले। सफशा की फेवरेट प्लेस है ना, नगर के सीधा इधर लैंड होती है। मजा आ रहा है? बलून चाहिए, बलून। चलो बाबा मीरा हैप्पी, माइन हैप्पी, माइन हैप्पी, सबसे हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो ये जी मीरब को उसकी नानों ने गिफ्ट किया था स्विमिंग पूल, सो आज जी मैं इसकी भी ओपनिंग कर रही हूँ। 8:30 का टाइम था और मैंने अपने हस्बैंड को ये दिखाया, मैंने कहा देख लेते हैं अगर तो इसमें हवा वगैरह तो नहीं भरवानी तो भरवा लेते हैं, क्योंकि आज बच्चों का जो समर वर्क है ना वो ख़त्म हो गया है। और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब जिस दिन उनका समर वर्क जो है ना ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उनको पूल पार्टी जो है ना वो अरेंज करके दूंगी। सो बस जी आज मामा ने की है पूल पार्टी अपने बच्चों के लिए अरेंज, तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, बच्चे अंदर जी खेल रहे थे। तो मैंने जी अपने हस्बैंड को ये दिखाया, काफ़ी माशाल्लाह से ये बड़ा था। और फिर मेरे हस्बैंड ना इसकी हवा भरवाने चले गए थे और ये हवा भर कर आ गया हुआ है। सो मैंने इसको ड्राइंग रूम में रख दिया था, मैंने कहा था चले जी सुबह जो है ना वो बच्चों को सरप्राइज़ देंगे। मीरब महीन उठ जाओ बेटा, उठो बेटा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ओहो महीन किस तरह उठती हो, उठ गई हो, टाइम देखा है वो देखो टाइम 10 बज रहे हैं और मैडम अभी सो के उठी हैं। छुट्टियां है ना, है ना छुट्टियां है ना, इसलिए मुझे मार लो बेटा, स्कूल खुलने लगे हैं अभी इतना टाइम नहीं रहता, अगस्त स्टार्ट हो गया हुआ है बस। चलिए उठे, शाबाश, शावर ले, वॉशरूम वगैरह कर ले, ब्रश कर ले, फिर मैं आपको नाश्ता दूँ। उससे पहले अपना बेड नीट करें, जल्दी कर लें, शाबाश, मिनट लगाएं दोनों। तपशरा तपशरा मानो 10 बज गए, जा रही उठो बिल्ली। ओ जो मनु नहीं उठती, छोना अभी, छोना अभी, चलो छो जो, आप ही नाश्ता करने लगी हैं, आप अपना नाश्ता कर लियो। आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चे जो है ना वो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, सो फिर मैं कुछ नहीं कहती। और जैसे ही बस स्कूल जो है ना वो शुरू हो जाएंगे तो टाइमली उठा करेंगे और हर चीज़ टाइम पे हुआ करेगी। तो मीरब ने जी बेड क्लीन कर दिया है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना इसको आदत डाल रही हूँ अपना काम खुद करने की, अपना बेड बनाने की, सुबह उठते ही उसको क्लीन करने की। और जैसे ही कोई बर्तन वगैरह इसको नज़र आते हैं वो किचन में लेकर जाए, और भी छोटे छोटे जो काम है ना वो सारे ये खुद करती है। और कभी
कभी कह भी देती है कि मामा सारे काम मैंने ही करने हैं, ये दोनों भी तो हैं, लेकिन एज अ मदर मैं उसको बार बार पुश करती रहती हूँ, क्योंकि एज ही ऐसी है, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है और बच्चों ने इंजॉयमेंट भी करनी होती है। सो यहाँ पे जी नाश्ता जो है ना बच्चों का रेडी है, आज मैंने इनको ब्रेड ऑमलेट दिया है, दोनों बच्चे ये शौक से खा लेते हैं। तौलिया लेकर आ गई हो, चप्पल कहाँ है, चप्पल पहन कर आओ। तफिया आई, चप्पल पहन के आई, उल्टी चप्पल पहनी है। चलो वॉशरूम चले, कैया पकड़ो अपना, चलो चले, चलो वॉशरूम चले। प्या सबशरा, सबशरा कहाँ है, सबशरा सबशरा, ये सबशरा की फेवरेट प्लेस है ना, नगर के सीधा इधर लैंड होती है, है ना, है ना। हम सबशरा का ये मामूल है कि सुबह उठते ही उसने पहले शावर लेना है और उसके बाद जो है ना वो नाश्ता करती है। सो रात को जो है ना वो दूध वगैरह फीडर में ले लेती है, सो इसीलिए सुबह वो ना उठते सार नाश्ता नहीं करती, उठते सार ही ना उसको पहले नहाना होता है और उसके बाद जो है ना वो नाश्ता करती है। इतनी देर में जी दोनों बच्चियों ने नाश्ता कर लिया है, अब ये दोनों शावर लेने जाएंगी और उसके बाद रेडी हो जाएंगी। जब से छुट्टियां हुई हैं तब से इनका जो है ना रूटीन यही है, और जब स्कूल जाएंगी तो सुबह सुबह जो है ना वो उठने की आदत भी डल जाएगी। अभी तो 10-11 बजे तक उठती हैं, नाश्ता चलता है, उसके बाद रेडी होती हैं और उसके बाद जी फिर मैं इनको पढ़ाती हूँ। सो फाइनली आज जो है ना इनका समर वर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने इनके साथ प्रॉमिस किया था कि जिस दिन इनका समर वर्क ख़त्म होगा उस दिन मैं इनके लिए पूल पार्टी अरेंज करूँगी। सो आज वो दिन आ गया है और इसके लिए बड़ी एक्साइटेड हैं, इनको पता नहीं है अभी मैंने जो है ना पूल अरेंज कर लिया हुआ है, उसको मैंने गैस भरवा ली हुई क्योंकि हस्बैंड ने सुबह ऑफिस चले जाना होता है, तो इसीलिए मैंने स्विमिंग पूल जो था ना उसमें गैस पहले ही भरवा ली थी। समर वर्क इनका सारा कम्प्लीट हो गया है, सो अभी मैं इनको लंच करवा रही हूँ। सबशरा अपनी फेवरेट खिचड़ी खा रही है और आज ना मैंने बनाई है मिक्स वेजिटेबल रोटी के साथ। बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल इतने शौक से नहीं खाते, सो मैंने उनको आलू थोड़े से डाल के दे दिए थे, उसी के साथ जो है ना वो रोटी खाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मीरब का मुंह जो है ना वो किस तरह बना हुआ है, लेकिन मेरी आदत है कि जैसी सब्ज़ी बनी है, दाल बनी है, कुछ भी बना है ना तो वो लाजमी आपने टेस्ट करना है, उसको खाना ज़रूर है। सेकेंड टाइम मैं उसको कुछ और बना दूँगी तो वो देखेंगे, लेकिन अभी जैसे ताज़ा बना है तो वो आपको खाना ही पड़ेगा। मेरी पूल पार्टी हो गई है स्टार्ट, मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे गर्मा गर्म समोसे, हालाँकि मेरा इरादा था कि मैं खुद जो है ना कुछ बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है तुम ना खपना, बस मैं बाजार से जो है ना समोसे वगैरह ले आऊँगा। सब ने मिलके पहले समोसे खाए और यहाँ पे इनका एक्साइटमेंट लेवल चेक करें, इतने ज़्यादा खुश और हैप्पी थे ना जब इनको ये सरप्राइज देखने को मिला। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द पूल पार्टी विद मी। मज़ा आ रहा है, बलून चाहिए बलून, चलो बाबा फुला के। ये क्या कर रही हो, बलून फुला रहे हैं, बलून फुला रहे हैं, पानी वाला किसके मुंह पर डालोगी। सबशरा मीरा हैप्पी, माइंड हैप्पी, माइंड हैप्पी, सबशरा हैप्पी, सबशरा। बच्चों ने पूल पार्टी खूब इंजॉय की, उसके बाद जी यहाँ पे डिनर चल रहा है और डिनर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने मिक्स वेजिटेबल नहीं खानी थी, सो मैंने उनको पराठों में डाल के दे दी और उन्होंने बड़े ही शौक से खाई। खिचड़ी खानी, खिचड़ी खाओगी,
तफ्शा को ना खिचड़ी बहुत पसंद है, अगर उसको 3 टाइम भी मैं दे दूँ ना तो बहुत शौक से खा लेती है। यहाँ पे जी मैं मिक्स वेजिटेबल के पराठे बना रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको दोपहर को बताया था कि नाक मुँह चढ़ा के सालन खा रहे थे, सो मैंने उनको पराठों में डाल दिया, तो बहुत शौक से माशाल्लाह पेट भर के दोनों बच्चियों ने जो है ना वो डिनर किया। मीरा बिशा की नमाज़ पढ़ रही है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 5 वक्त में इसको अपने साथ जो है ना नमाज़ पढ़ाऊँ। तो ये रही जी मेरे 3 बच्चों की रूटीन जो छुट्टियों में कैसे गुजारते हैं, मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।